हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा IBPS RRB 2018 के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। RRB का मतलब यहाँ पे क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स। तो जो ग्रामीण बैंक होते हैं उनमें जो PO या फिर क्लर्क या फिर स्केल टू स्केल थ्री लेवल पे भर्तियाँ होती हैं उसका नोटिफिकेशन आया है 2018 के लिए। तो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, आपने पढ़ा होगा, अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा। आज से ही स्टार्ट हो गया है, जो डेट है रजिस्ट्रेशन की आज से ही स्टार्ट है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए इस नोटिफिकेशन को लेकर के। आपको अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे समरी में कि क्या नोटिफिकेशन कह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर कह लीजिए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ये कब से स्टार्ट है? आज से। आज से मतलब 8/6/2018 से 2/7/2018 तक ये चलेगा, मतलब 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों ही ऑनलाइन होगा और दोनों की ये डेट है। तो आप जल्दी से जल्दी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि आखिरी के समय में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्रिलिमिनरी या फिर प्री जिसको कहते हैं, उसकी डेट्स क्या हैं? ऑफिसर स्केल वन की अगर मैं बात करूं तो वो है 11/8/2018, 12/8/2018, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 18/8/2018 को भी हो सकता है। मतलब ये PO वाला है, ठीक है। 11, 12 और 18 कब? अगस्त की बात करी जा रही है। ऑफिस असिस्टेंट इसी तरह 19, 25 और 1, ये 1 सितंबर तक ये चलेगा। मतलब 19 से स्टार्ट होगा अगस्त से, 1 सितंबर तक चलेगा। 19, 25 और 1 सितंबर ये इसकी डेट है। अभी ये सारी डेटें टेंटेटिव हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई बदलाव होगा तो उसके लिए भी आप देखते रहिएगा वेबसाइट को। अगर कुछ डेट्स में बदलाव होगा तो आपको वहीं से पता चलेगा। फिर प्रीलिम्स जो क्लियर करेगा उसके लिए जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मेन का या फिर सिंगल का। सिंगल का यहाँ पे मतलब स्केल 2 या 3 से। देखिए, इस जो नोटिफिकेशन की या फिर इस वीडियो की मैं बात करूं तो मैं केवल फ्रेशर्स को लेकर के बना रहा हूं जिनकी नौकरी अभी तक नहीं लगी है। मतलब मैं केवल ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 के बारे में बात करूंगा। स्केल 2 और 3 अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन खुद से देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन एग्जामिनेशन होगा और जो स्केल 2 या 3 के लिए अप्लाई करेंगे उनको प्री नहीं देना है, उनको केवल मेन ही एग्ज़ाम देना है। तो वो जो एग्ज़ाम होगा वो 30/9/2018 को होगा। अभी मैं सोचिएगा कि एक ही एग्ज़ाम होगा तीनों का, क्या नहीं, सबका अलग अलग एग्ज़ाम होगा। मतलब 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के अलग, ठीक है। लेकिन होगा एक ही डेट में 30/9/2018 को। और ऑफिस असिस्टेंट का मेन एग्जामिनेशन कब होगा? 7/10/2018 को, ठीक है। तो 7 अक्टूबर 2018 को इसका मेन एग्जामिनेशन होगा। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जो कि ऑफिसर स्केल 1-3 के लिए होगा, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट में तो इंटरव्यू होना नहीं है, तो स्केल 1-3 के लिए जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो नवंबर 2018 में स्टार्ट होगा और नवंबर में ही होगा। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपको जनवरी 2019 में मिलेगा। तो जो लकी लोग होंगे या फिर जो मेहनत कर रहे होंगे उनको अगले साल 2019 में नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब हम आगे बढ़ें और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे सबसे पहली बात तो एप्लीकेशन फ़ी या इंटीमेशन चार्जेस कितने हैं स्केल 1-3 के लिए। अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, बाकी सब के लिए 600 रुपये इसका चार्ज है। अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वही बात है, SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़, बाकी सब के लिए 600 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर पे करना पड़ेगा। इसके साथ बैंक वगैरह चार्ज अगर कुछ लेता है तो अलग से होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि क्या है, वैकेंसी। वैकेंसी देख करके बहुत सारे लोगों का मन उदास हो जाता है। इस बार जो ऑफिसर स्केल 1 के लिए है वो टोटल 3,312 पोस्ट हैं और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5,249 पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। अब इसी के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक कैंडिडेट अगर है तो वो स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन सेम अगर कोई कैंडिडेट है वो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, मतलब एक ही साथ स्केल 1 या 2 या फिर 1 या 3 या फिर 2 या 3, ऐसे डबल अप्लाई नहीं कर सकता। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात और क्या कि एक कैंडिडेट जो है
एक बार में एक ही जगह से सेलेक्ट कर सकता है अपना जो भी कैंडिडेचर है वो। मतलब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए उत्तर प्रदेश से अप्लाई करिए, फिर ऑफिसर स्केल 2 के लिए महाराष्ट्र से अप्लाई करिए, फिर उसके बाद गुजरात से अप्लाई करिए। तो ऐसे केस में जहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे रिजेक्ट और आपको रिफंड भी मिलने वाला नहीं है। तो सीधी सीधी बात ये है कि आप अगर ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, और फिर जब आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा वैकेंसी जैसी होगी उसके आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी वहीं पे आपको मिलेगा। जैसे अगर आपने उत्तर प्रदेश स्टेट चुना हुआ है तो उसमें जो भी बैंक होगा उसी में आपको किसी ना किसी बैंक में वैकेंसी या फिर कह लीजिए अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। यही बात ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई होती है कि अगर आप मल्टीपल जगह से अप्लाई करते हैं तो वो आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, तो एक जगह से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए उत्तर प्रदेश से अप्लाई करिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप बिहार से अप्लाई कर सकते हैं, तो इन दोनों में आप कर सकते हैं, वो तो आपकी हेडेक है। सेंटर आपको आसपास ही अगर मिल गया तब तो ठीक है, दूर दूर मिला तो ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको क्या यहाँ पे सिनेरियो है। मल्टीपल अगर एंट्रीज होती हैं तो रिजेक्ट हो जाएंगी, तो एक जो पोस्ट है उसके लिए एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए नेशनैलिटी वगैरह जो है वो तो आप सबको पता ही है, उसमें क्राइटेरिया कुछ चेंज नहीं होता है। एज की मैं बात करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें बहुत सारे लोग बढ़ जाते हैं या फिर बाहर भी हो जाते हैं, एज जो काउंट होगी वो 1/6/2018 से काउंट होगी। मतलब यहाँ तक की एज आपको काउंट करनी है, 1 जून 2018 तक आप कितने साल के हैं ये मैटर करता है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपको 18 साल या उससे बड़ा या फिर 28 साल से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 1/6/2018 को आप 29 साल के हो जाते हैं, 29 साल एक दिन के भी हो गए अगर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 28 साल से कम उम्र का होना चाहिए और 18 साल से बड़ा होना चाहिए, कब, 1/6/2018 के लिए। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर मैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं तो ये जो क्राइटेरिया है 18 से 30 साल है, ठीक है, 18 साल से बड़ा और 30 साल से कम उम्र का होना चाहिए। स्केल 2 और 3 के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, 21 से 32 या फिर 40 साल तक है, वो तो आगे की बात है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है जो पहले से नौकरी कर रहे हैं वो जाकर के देख सकते हैं। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 2/7/2018 की 2 जुलाई 2018 तक आपके पास कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो होनी ही चाहिए। तो जो इसेंशियल चीज़ है वो ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 2/7/2018 तक। मान लीजिए आप फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं तो 2/7/2018 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप मान लीजिए फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में, और आपका रिजल्ट आता है 10/7 को, या फिर 10/7 को क्यों, मैं कहूँ 3/7 को ही आता है, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। इंटरव्यू तक तो चले जाएंगे लेकिन उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जब होगा तो आपको निकाला जा सकता है, या फिर निकाला जाएगा ही जाएगा, जा सकता क्या है। ये डेट है कि 2/7/2018 तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। फाइनल डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रिजल्ट आपके पास कि आप बैचलर हो चुके हैं। फिर दूसरी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। आपको पता होगा कि जब हम रूरल बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप कर्नाटक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और ये जो लोकल लैंग्वेज की लिस्ट है आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें देखने को मिलेगी। हर एक स्टेट के लिए लोकल लैंग्वेज डिसाइड की गई है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये तीन लोकल लैंग्वेज डिसाइड की, किसी एक में भी आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए तो आप उस स्टेट के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे और आपको वहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आपको प्रोफिशिएंसी नहीं है लोकल लैंग्वेज में और आपने कर्नाटका स्टेट चुना या फिर कोई केरल का स्टेट चुना, आप नॉर्थ इंडिया के हैं, तो आपका अलॉटमेंट हो गया लेकिन आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा ताकि आप लोकल लैंग्वेज वहाँ की सीख सकें, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट वगैरह होता है कि आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, और इस 6 महीने को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। वो आपका जो बैंक होगा वो डिसाइड करेगा कि अगर आप दिख रहा है उसको कि हाँ थोड़ा बहुत तो सीख ही गए हैं, काम चलाओ थोड़ा और सीखना है, तो उसको बढ़ा भी सकते हो, बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन वो जो पीरियड होगा
एक्सटेंड करने का वो केवल प्रोबेशन पीरियड तक ही हो सकता है। मतलब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, तो 2 साल से अधिक समय नहीं मिल सकता है आपको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशियंट होने के लिए। ठीक है, तो इस सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप जिस भी जगह से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज की लिस्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा। जैसे अगर आप हिंदी जानते हैं तो देख लीजिए हिंदी कहाँ कहाँ के लिए है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो आप इन सारे स्टेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं और आप अप्लाई कर दें आप अप्लाई कर दें जा करके केरल के लिए, कर्नाटक के लिए, तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज लोकल नहीं होगी। ठीक है, फिर डिज़ायरेबल यहाँ पे क्या मांगा गया है, डिज़ायरेबल का मतलब जो उम्मीद की जा रही है कि आपको आना ही चाहिए, वो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये तो कॉमन सी चीज़ है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ही बस, कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और बैचलर डिग्री की बात रही तो एक शंका और यहाँ पे होती है लोगों के मन में, एक या दो शंकाएं होती हैं। पहली शंका तो होती है परसेंटेज को लेकर कि बैचलर में कितने परसेंट होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कितना परसेंट होना चाहिए, आप बस पास होने चाहिए। 40% भी होगा तो भी चलेगा, 90% होगा तो भी चलेगा। ज़रूरी नहीं कि 40% वाले का सिलेक्शन ना हो और 90% वाले का हो जाए, उल्टा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आप एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म किए हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है परसेंटेज वाला, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप पास होने चाहिए। आप एक जगह सेक्शन नोटिफिकेशन में देखेंगे कि अगर 59.99% है तो इसे लेस देन 60 लिखा जाएगा, वो सिर्फ आपको ये इंडिकेट करने के लिए बताया गया है एग्जाम्पल दे करके कि जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो वहाँ पे जब आपको अपनी परसेंटेज भरनी है तो कैसे भरनी है, कि अगर 59.99% है तो आप उसको 60% मत कर दीजिएगा, उसको आप वही भरिएगा 59.99% ही। ठीक है, तो वो बताने के लिए वहाँ पे ऐसा किया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ये तो थी पहली शंका। दूसरी शंका क्या है कि आप कहेंगे कि बैचलर डिग्री कहाँ की होनी चाहिए, तो कहीं की भी, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो ओपन हो, दोनों ही चलेगा, बस रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, और फिर उसके बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपन हो, चाहे आप रेगुलर से पढ़े हो चाहे ओपन से पढ़े, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो शंकाएं आपकी दूर हो गई होंगी एलिजिबिलिटी को लेकर के। बाकी सारी जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे एज में रिलैक्सेशन वगैरह, वो तो एज इट इज़ है ही, जो भी कैटेगरी वाइज होता है वो तो है ही, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव भी नहीं होता। अगर आपने पहले से देखा हुआ है तो वही का वही एज इट इज़ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की, कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो इसमें मैं बात करूँ ऑफिस असिस्टेंट की, या फिर जिसको मल्टीपर्पज़ कहा जाता है, उसमें केवल 2 एग्ज़ाम होंगे, एक प्रिलिमिनरी और दूसरा मेंस। ठीक है, मेंस का जो आपका यहाँ पे नंबर होगा उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज जो भी बननी है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। वहीं मैं बात करूँ ऑफिसर स्केल 1 की, तो इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे, प्रिलिम, मेन और आखिरी में इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, और जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे होगा। मेरिट लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज, जिस भी स्टेट के लिए आपने सेलेक्ट किया होगा फिर वहाँ की मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको रखा जाएगा। अगर आप आ गए मेरिट लिस्ट में तब तो आपका सिलेक्शन है, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्रीलिम्स या फिर मेन एग्जामिनेशन है उसमें पूछा क्या जाएगा। तो मैं बात करूँ सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट या फिर मल्टीपर्पज ऑफिसर की, तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के प्रिलिमिनरी में क्या पूछा जाएगा, 2 सेक्शन, एक तो रीजनिंग और दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लैंग्वेज इनका क्या होगा, हिंदी इंग्लिश, जिसमें आपको अच्छा लगे दे सकते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश केवल 2 ही लैंग्वेज में उपलब्ध होगा। 40-40 क्वेश्चंस होंगे और 40-40 नंबर का होगा। खास बात यह है कि यहाँ पे कंपोजिट टाइम आपको 45 मिनट का दिया जाना, मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, मतलब इंग्लिश यहाँ पे रीजनिंग के लिए अलग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अलग अलग टाइम नहीं, टोटल मिला करके 45 मिनट है, जितना मन करे उतना करिए। ठीक है, टोटल ये 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 नंबर का होगा, और आपको पता होगा कि बहुत हाई मेरिट लिस्ट पिछली बार गई थी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने होंगे। क्वेश्चंस आसान रहते हैं, लोग खुश हो जाते हैं कि हमने 70 कर लिए हैं या फिर 60 कर लिए हैं, हो जाएगा सिलेक्शन, ज़रूरी नहीं है। मेरिट लिस्ट जितने साल बढ़ रहे हैं, जितनी वैकेंसीज कम हो रही हैं, हाई होती जा रही है। मैं मेन एग्जामिनेशन की बात करूं, क्या पूछा जाएगा,
इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया मतलब कैलकुलेशन पे ज़्यादा जोर रहेगा, जनरल अवेयरनेस होगा यहाँ पे, और हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी भाषा का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एक हिंदी का टेस्ट हो सकता है और एक इंग्लिश का टेस्ट होगा, तो दोनों में से केवल एक ही आपको देना है, ठीक है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद एक होगा कंप्यूटर। टोटल पांच यहाँ पे टेस्ट हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश, और एक कंप्यूटर। मीडियम एग्जाम का क्या होगा, बाकी सबका तो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, बस हिंदी का हिंदी में होगा और इंग्लिश का इंग्लिश में होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए तो सबके 40-40 क्वेश्चंस हैं, 40 रीजनिंग के, 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, 40 हिंदी, 40 इंग्लिश और 40 कंप्यूटर। लेकिन नंबर जो है वो अलग अलग है। आप अगर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 50 नंबर मिलते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन एक नंबर से अधिक। उसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, हर एक क्वेश्चन एक नंबर से अधिक। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का। और हिंदी और इंग्लिश भी 40-40 के ही हैं। और कंप्यूटर वाला 40 क्वेश्चन केवल 20 नंबर का है, मतलब हर एक क्वेश्चन 0.5 नंबर का होगा, आधे नंबर का। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर यहाँ पे आपको मिलने हैं। ड्यूरेशन इसका भी कंपोजिट 2 आवर्स है, मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, रीजनिंग के लिए अलग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए अलग, जनरल अवेयरनेस के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं। टोटल 2 घंटे मिलेंगे, जहां जैसे आपको अप्लाई करना हो, जैसे आपको डिवाइड करना हो, आप डिवाइड करके आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। तो ये है ऑफिस असिस्टेंट का स्ट्रक्चर। दूसरी मैं बात करूँ यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 की, तो यहाँ पे प्रीलिम्स वैसा ही है जैसा कि हमने देखा है, क्या ऑफिस असिस्टेंट वाला सेम वही, कुछ बदलाव नहीं। मेन एग्जामिनेशन भी हूबहू एकदम वैसा ही है, बस एक बदलाव है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं। दोनों में डिफरेंस बस इतना होगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज़्यादातर फोकस आपका कैलकुलेशन पे होगा, वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब वहाँ पे आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बस इतना ही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। एक अंतर और क्या होगा, दोनों ही एग्जामिनेशन में लेवल का, जो ये ऑफिसर स्केल 1 का लेवल का एग्जाम होगा वो ऑफिस असिस्टेंट की तुलना में कठिन होगा, ठीक है। तो बस 2 अंतर हैं, एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यहाँ पे, वहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, और दूसरा लेवल का अंतर होगा जो कि आपको पता ही होगा। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन सब कुछ वैसा ही सेम है, कंपोजिट टाइम यहाँ भी 2 घंटे का है और ये 45 मिनट का है, तो और कोई भी यहाँ पे बदलाव देखने को नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो है पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, कि आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके कितने नंबर यहाँ पे कटने वाले हैं, कितना पोर्शन कटेगा। तो यहाँ पे जो पेनाल्टी रखी गई है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, वो ऑन ये जो यहाँ पे लिखा गया है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये प्री और मेन दोनों एग्जामिनेशन के लिए है, कि या तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं या तो वो 1/4 नंबर कटेगा या तो 0.25। यहाँ पे और इसलिए लगाया गया है क्योंकि जैसे मेन एग्जामिनेशन की बात करूँ तो 40 क्वेश्चन के लिए 50 आपको नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे अब हर एक जो क्वेश्चन अगर आप डिवाइड करके देख लीजिए 40/50, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो ये आ जाएगा 1.25 नंबर का। तो इसका 1/4 नंबर जो होगा वो पेनल्टी के रूप में होगा, ठीक है, मतलब रीजनिंग और मैथ में जो पेनल्टी होगी वो 0.25 से ज़्यादा होगी। कितनी होगी, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 4 × 3 = 12 हो गया, 4 × 1 = 4 हो गया, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो ये 0.312 नंबर आपके कटेंगे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, बाकी सबके 0.25 नंबर कटेंगे क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। कंप्यूटर का हर एक क्वेश्चन 0.5 नंबर का है, तो इसके कितने कटेंगे भाई, तो आप इसको 0.5 का चौथाई हिस्सा निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने नंबर इसके कटेंगे। तो टोटल कहने वाली बात यह है, या तो 1/4 हिस्सा कटेगा या तो 0.25 नंबर यहाँ पे कटेगा, ठीक है, जो भी सुटेबल होगा वही होगा। और ये मेन और प्री दोनों के लिए है, ऑफिस असिस्टेंट और जो स्केल 1 एग्जाम है ये दोनों के लिए, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देते हैं या फिर उसके लिए कोई भी आंसर मार्क नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, क्या है कट ऑफ स्कोर, जिसको लेकर के कई सारे लोगों के मन में शंका होगी कि इसका कट ऑफ स्कोर कैसा रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ होगा, ओवरऑल कट ऑफ होगा, क्या होगा। तो देखिए जो नोटिफिकेशन में बातें लिखी गई हैं उसको हूबहू मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और इसी के माध्यम से हम समझते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑफिस असिस्टेंट की, तो लिखा हुआ ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन
टू बी कंसिडर टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। समझिए, कह रहे हैं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर अलॉटमेंट लेना है, तो आपको जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन का टेस्ट हो रहा है उसकी ईच टेस्ट में मिनिमम स्कोर करना होगा। ईच टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं कि आप, टेस्ट का मतलब यहाँ पे ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन से नहीं, टेस्ट का मतलब यहाँ पे है जो हमने अभी यहाँ पे देखे हैं, जैसे ये है नेम ऑफ टेस्ट, जैसे हो गया रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये तो खैर स्केल वन का है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, ये सब एक एक टेस्ट है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हर एक टेस्ट में आपको मिनिमम जो नंबर है वो लेकर के आना पड़ेगा, तभी आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि यहां पे सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, कि सेक्शनल कट ऑफ होगा, ऐसा नहीं होगा केवल ओवरऑल कट ऑफ होगा, जैसा कि एसबीआई में देखने को हमको मिला था। लिखा हुआ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन ईच स्टेट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। और जो मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं, वही की जितनी वैकेंसीज होंगी उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और वैसे ही फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। वहीं मैं बात करूं ऑफिसर स्केल वन की, तो यहां पे भी वही लिखा हुआ, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसीडर्ड टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। कि आपको इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्ट लिस्ट अपने आप को समझना है, तो आपको हर एक टेस्ट में, टेस्ट का मतलब समझ रहे ना, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, हिंदी या इंग्लिश, सब में मिनिमम जो स्कोर है वो तो लेके आना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। फिर आगे बात वही है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी नॉट एक्सीडिंग 3 times ऑफ द डिक्लेयर्ड वैकेंसी इन ईच स्टेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी। मतलब समझिए, जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी की बात करूँ, यहाँ पे कोई जनरल में मान लीजिए 70 vacancies हैं, ठीक है, 70 vacancies हैं जनरल की बात करूँ, या अनरिजर्व की बात करूँ, 70 vacancies हैं, तो इस कैटेगरी में और यूपी में कितने लोग बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो इसमें गुणा 3 कर लीजिए, 210 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और इन 210 में से 70 लोग सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। एक बार प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, स्कोर्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल नॉट बी शेयर्ड विद द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। वही कह रहे हैं कि जब तक इंटरव्यू प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है, शॉर्टलिस्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के जो नंबर हैं वो आपको बताए नहीं जाएंगे, वो आपको पता नहीं चलेंगे। जब पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ पे फेल किया है, मेन एग्जामिनेशन में आपके कम नंबर थे या फिर इंटरव्यू में आपने कम नंबर पाए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सिलेक्शन हो गया तो भी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आपने क्या स्कोर अच्छा किया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की, कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, और ये तो केवल स्केल 1-3 के लिए है, जो ऑफिस असिस्टेंट है उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू जो प्रोसेस है उसमें जो बेसिक सी चीज़ें वो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि इंटरव्यू कौन लेगा, कैसे लेगा, कहाँ लेगा, जो मेन बात है उस पर हम आते हैं। वो अगर आपको देखना हो तो इन नोटिफिकेशन में जाकर के पढ़ सकते हैं। मेन फोकस हमारा क्या है कि इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, तो वो है 100 नंबर का, ठीक है। और आपको इसमें मिनिमम कम से कम, आप स्केल 1 के लिए अगर हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए या फिर जो रिजर्व कैटेगरी नहीं है उसको 40% नंबर तो लाने ही लाने होंगे। एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये 35% है, मतलब इस 100 में से कम अगर आप जनरल है तो 40 नंबर लाएंगे तभी आपकी मेरिट लिस्ट बन सकती है, वरना अगर आप 40 से कम नंबर प्राप्त कर रहे हैं तो आपको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी के लिए ये 35% है, मतलब 35 नंबर समझिए, ठीक है। और लिखा हुआ था रिलेटिव वेटेज ऑफ CWN इंटरव्यू विल बी 80:20, कि जो रिलेटिव वेटेज है, मतलब जो मेन एग्जामिनेशन है और जो इंटरव्यू है उसका वेटेज क्या होगा 80:20 का, ठीक है। मतलब जो आपने नंबर पाए होंगे उसको किस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू को 80:20 के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, फिर उसके आधार पे आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे, और उस मेरिट लिस्ट में जो लोग भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पास करना चाहते हैं, फिर आपको चाहिए सिलेक्शन, तो आपको इंटरव्यू में भी पास होना पड़ेगा, मेन एग्जामिनेशन में भी पास होना पड़ेगा, उसके बाद भी, जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज, जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया वहाँ की कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उस मेरिट लिस्ट में मान लीजिए
50 पद हैं, ठीक है 50 पद हैं, और आपका नंबर यहाँ पे 52वां है, ठीक है 52 नंबर हैं, तो आप जो है मेरिट लिस्ट से बाहर हैं। भले ही आपने इंटरव्यू पास कर लिया है, मेन एग्जामिनेशन पास कर लिया है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपका जो नाम है वो बाहर हो जाएगा। ऊपर के जो 50 लोग हैं उनको तो सिलेक्शन या फिर अलॉटमेंट प्रोसेस में उनको एक जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और क्या है कि यहाँ पे एक रिजर्व लिस्ट भी फॉर्म की जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। जैसे आप 52 में हैं तो आपको रिजर्व लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। रिजर्व लिस्ट किस लिए होती है, मान लीजिए जिसका सिलेक्शन हुआ, किसी का पीओ में सिलेक्शन हो गया है, उसी बच्चे का एसबीआई पीओ में पहले ही सिलेक्शन हो चुका है, तो वो आरआरबी पीओ क्यों ज्वाइन करेगा, तो नहीं ज्वाइन करेगा, तो वो जो प्लेस खाली होगा तो फिर वो रिजर्व जो लिस्ट है उसमें से फिल किया जाएगा। तो रिजर्व लिस्ट में आपको रखा जाएगा, लेकिन रिजर्व लिस्ट में रखने का मतलब नहीं है कि आपको 100% कोई ना कोई जगह मिली जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं खत्म होता है, नोटिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लिस्ट है स्टेट की और वहाँ पे क्या क्या लैंग्वेजेस हैं लोकल उसकी लिस्ट है, उसके साथ साथ लिस्ट किसकी है कि हर एक स्टेट में हर एक बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज, तो वो सब जा करके आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें देख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया होगा, या फिर जो इंपॉर्टेंट बात है आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो या फिर आपको किसी बात में दिक्कत लग रही हो, केवल एक चीज को छोड़ करके कोई ये कमेंट करके मत पूछिएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है क्या मैं एलिजिबल हूं, वो आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने का प्रयास करूंगा। तो स्टूडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।